सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गोविंदा और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं ला चुका हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया फैंसी एप्लीकेशन जहाँ से आप अपना 100% बोनस को यूज कर सकते हो। और उसके साथ ही साथ गाइस, जो भी आप मनी को विन करोगे इंस्टेंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो। और सबसे खास बात गाइस कि यहाँ पर आपको लो एंट्री का भी ऑप्शन मिल जाएगा जिसके तहत आप कंटेस्ट को ज्वाइन कर बहुत ज़्यादा अमाउंट जीत सकते हो। सो गाइस, वो कौन सी एप्लीकेशन है और कहां से डाउनलोड करना है, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिल जाएगी। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करो और नए हमारे यूट्यूब चैनल पे तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो गाइस, बात कर लेते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में। तो उस एप्लीकेशन का नाम निकल कर आ जाता है 11 चैलेंजर्स, जो कि मेरे मोबाइल को होम स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा और इसकी डाउनलोडिंग लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो गाइस, डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले इसको ओपन करना होगा। सो गाइस, जैसे इस एप्लीकेशन को पहली बार ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है गाइस साइन अप के ऑप्शन पे, और साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए गाइस आपको यहाँ पर सबसे पहले तो अपना पूरा नाम दे देना है, देन उसके बाद से आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे देना है और ईमेल आईडी देना है। देन आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को क्रिएट कर लेना है, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने के बाद से गाइस आपको रजिस्टर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो मैं सारी चीज़ें को फिलअप करने के बाद से गाइस आपको नेक्स्ट पेज कैसे ओपन होता है वो आपको बता देता हूँ। सो गाइस, मोबाइल नंबर डालने के बाद से ओटीपी आएगा, और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद से आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको ऊपर बता दूं कि जो रियल मनी अर्न करने का थी है फैंसी, वो यहां पर आपको 3 मिल जाएंगे, जैसे कि सबसे पहला क्रिकेट, दूसरा फुटबॉल और तीसरा आपको यहाँ पर बास्केटबॉल। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर क्रिकेट के बारे में बताने वाला हूँ, क्रिकेट फैंसी ऐप के बारे में। तो देखो, जैसे ही मैंने क्रिकेट फैंसी ऐप के ऊपर मैंने क्लिक किया तो जितने भी अपकमिंग मैच होंगे क्रिकेट के वो सारे आपको नीचे शो हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बता दूं गाइस कि आपको जिस भी मैच में पार्टिसिपेट करना है बस उस मैच के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि मुझे मान लो इस मैच में पार्टिसिपेट करना है, तो मैं इस मैच के ऊपर क्लिक करता हूं, और इस मैच के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा गाइस तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर अब क्या करना है, जैसे नीचे आओगे गाइस तो आपको एक क्रिएट टीम का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्रिएट टीम का ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद से आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। तो अभी इसका लाइनअप अनाउंसड हो चुका है, तो जो जो प्लेयर खेल रहे हैं उसके सामने आप देख रहे हो प्लेइंग का आ गया है और नीचे एक ग्रीन का सिग्नल आ रहा है। तो आपको बस उस पर क्लिक करना है और उन्हीं प्लेयर को सेलेक्ट करना है जो कि प्लेयर प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं, और जो नहीं खेल रहे हैं उनको सेलेक्ट नहीं करना है। तो मैं यहाँ अपनी टीम को क्रिएट कर लेता हूँ और देन आगे प्रोसेस आपको बता देता हूँ उसके बाद से। तो मैंने यहाँ पर कुछ प्लेयर को सेलेक्ट कर लिया है, और सेलेक्ट करने के बाद से गाइस आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे गाइस तो आपके सामने अब यहाँ पर तो यहाँ पर एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन पूछा जाएगा, यानी कि दो मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, और सेलेक्ट करने के बाद से गाइस सेव टीम के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जो ये जो हमारी टीम है वो सेव हो चुकी है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है गाइस वो है यहाँ पर कंटेस्ट को ज्वाइन करना, जो कि मैंने सबसे पहले ही बोला था गाइस, जो इसका एंट्री फी है बहुत ही लो है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मात्र 32 रुपये एंट्री फी है और 1000 विनिंग प्राइज है। और जस्ट थोड़ा नीचे आओगे गाइस तो आपको यहाँ पर 19 रुपये और यहाँ पे बहुत लो एंट्री टाइप में आपको एंट्री फी मिल जाएंगे, जैसे कि 1 रुपये का भी एंट्री फी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से विन कर सकते हो, ठीक ना। तो गाइस, जैसे ही मान लो आपने कोई कंटेस्ट को ज्वाइन किया और विन किया, उसके बाद जो आपका विनिंग बैलेंस होगा उसको विड्रॉ कैसे करना है और कहाँ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो उसके लिए गाइस आपको यहाँ पर नीचे के अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, और जैसे ही अकाउंट का ऑप्शन पर क्लिक करोगे गाइस आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। तो गाइस, जो नया पेज ओपन होगा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले तो आपको माय अकाउंट का ऑप्शंस मिलेगा। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि आपका डिपॉजिट बैलेंस और बोनस बैलेंस और विनिंग बैलेंस, ठीक ना। और यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलेगा, एक केवाईसी का और एक मिल जाएगा आपको विड्रॉ का।
और कहीं थोड़ा सा नीचे होगा तो आपको यहाँ पर प्लेइंग हिस्ट्री मिल जाएगी, यानी कि अभी तक आपने कितने कंटेस्ट को ज्वाइन किया है, कितने मैच खेले हैं, कितने सीरीज खेले हैं और कितने मैच यहाँ पे विनिंग किए हैं, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर जस्ट नीचे आपको दो ऑप्शंस मिल जाएगा, एक रिसेंट ट्रांजेक्शन और रेफरल डैशबोर्ड। तो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ गाइस विड्रॉ के बारे में। तो गाइस विड्रॉ के से पहले आपको मैं तो गाइस विड्रॉ के पहले यहाँ पर आपको केवाईसी को कंप्लीट करनी होगी, इसलिए आपको यहाँ पर केवाईसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करने होंगे। केवाईसी वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे गाइस तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाइड कराएगा, जैसे कि आपको एक ओटीपी भेजेगा और ओटीपी आपको यहाँ पर डालकर सबमिट करने होंगे, तो आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। देन आपको पैन कार्ड को वेरीफाइड कराने होंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा गाइस, पैन कार्ड को आपको जो कि फर्स्ट पेज होता है उसका एक फ़ोटो कॉपी देना होगा, और यहाँ पर आपको पैन कार्ड की सारी डिटेल्स देनी होंगी। और जैसे ही पैन कार्ड वेरीफाइड हो जाएगा गाइस, आपको यहाँ पर फिर बैंक का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको बैंक का जो फर्स्ट पेज होता है वो और बैंक के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करने होंगे। और जैसे ही आपका जो भी केवाईसी वो वेरीफाइड हो जाता है, तो जो आपका विनिंग बैलेंस है वो 2 से 3 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। और यहाँ से मिनिमम बैलेंस जो है गाइस मात्र 50 रुपये है, तो 50 रुपये होते ही गाइस आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो ईजिली, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आई थिंक गाइस मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी है, अदरवाइज फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी प्रॉब्लम को 100% सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो चलो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।